हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अज्जीज महाराष्ट्रियन स्टाइल स्पेशल गवाराची सूखी भाजी। तो सबसे पहले तो आप सब्ज़ी को अच्छे से थोड़े से तेल में रोस्ट करके ले लीजिए। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसे गर्म होने दीजिए। और फिर हम डालेंगे एक फुल अनियन, चॉप्ड अनियन, और हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर। और जब ये कांदा अच्छे से थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसे अच्छे से मिला लें। इसे अच्छे से मिला लें और एक बार ये कांदा जब इतना लाइट ब्राउन हो जाए तो अब ये सही समय है इसमें सूखे मसाले डालने का। हम इसमें डाल रहे हैं, बोलो, धनिया पाउडर, हल्दी और कांदा लहसुन मसाला। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अब। और फिर 1 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे हमारी जो रोस्टेड सब्ज़ी थी, वो है गवार की सब्ज़ी। जब आप उसे पहले ही थोड़े से ऑयल में टॉस कर लेते हो तो वो आधा सब्ज़ी कुक हो जाना चाहिए, नियरली 40%। अब इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम लो रखिए इस पॉइंट पर और करीब 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिलाते रहिए। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट अनुसार। इसे मिला लेंगे। ध्यान रखें इसे लो फ्लेम पर ही पकाइए ताकि सब्ज़ी नीचे से जल ना जाए। और अब हमने इसमें डाला आधा ग्लास पानी और थोड़ा सा पानी। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर आपको ये सब्ज़ी थोड़ा ग्रेवी स्टाइल चाहिए या ड्राई। हम इसे सूखी खाना पसंद करते हैं तो हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस टेस्ट कर लीजिए। और इसे इस पे ढक्कन लगाकर इसे कुक होने 5 मिनट तक छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब ये देखिए सब्ज़ी ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुकी है, पर क्योंकि हमें इसे ड्राई करना है हम इसे और थोड़ा पकाएंगे। And looks like the गवार सब्जी is now ready। ये देखिए जब इसका पानी सूख जाए तो बस this is ready to be served। ये अच्छा soft हो गया है गवार, हाँ पक चुका है ये, and this can be served। तो आपके ऊपर है, अगर आपको थोड़ा सा पानी चाहिए तो अभी ये serve करने के लिए perfect stage है, या फिर आप इसे थोड़ा सा और पका सकते हैं ताकि ये पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। और ये है हमारा महाराष्ट्रियन स्टाइल अज्जी स्पेशल गवार की सब्ज़ी। चलिए अब हमारी गवार की सब्ज़ी तो पक चुकी है, इसे थोड़ा एक छोटे रोटी टुकड़े के साथ टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है।